अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, वेरिएबल क्या होता है एसक्यूएल के अंदर, कम्प्लीटली देखेंगे, इसके टाइप्स को देखेंगे और एसक्यूएल सर्वर में इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कंटेनर होता है, मेमोरी लोकेशन के अंदर जो है आपका जो एक ब्लॉक बन जाता है, जिसमें ये होता है कि वेरिएबल जो है होल्ड कर लेता है एक सिंगल वैल्यू को, चाहे वो सिंगल वैल्यू स्ट्रिंग हो या कैरेक्टर हो या वर्ड हो। वेरिएबल्स के जो टाइप्स हैं वो लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, टू टाइप्स के वेरिएबल हैं। अब इसको हम सब समझते हैं इस फिगर के थ्रू। तो देखिए, लोकल वेरिएबल जो होता है, जो हम डिफाइन करते हैं, जो यूज़र डिफाइन करता है, तो वो कहलाता है यूज़र डिफाइन। उसको हम जो सेंटेक्स है @ यूज़र डिफाइन, यूज़र डिफाइन में आप वेरिएबल का नाम देते हो। सिस्टम डिफाइन जो होता है, यानी ग्लोबल वेरिएबल जो है वो सिस्टम डिफाइन करता है, यानी डेटाबेस जो है वो डिफाइन कर देता है। सिस्टम डिफाइन वेरिएबल नेम होता है यहाँ पे, और उसको हम @ से शो करते हैं। बैच जो है, मैंने एक बैच बनाया है और इस बैच के अंदर मैं इस तमाम जो कोडिंग मैंने लिखी हुई है इसको मैं रन करके दिखाऊंगा। इसके अंदर जो है मैंने आपको तीन वेरिएबल लिया हुआ है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है और सिटी है। देखिए, डिक्लेयर के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल है, तो इसमें एक दो वारचार का लिया हुआ है, सिटी और नेम, और इंटीजर जो है वो स्टूडेंट आईडी लिया हुआ है। अब देखिए, डिक्लेयर के जो कीवर्ड है इसके थ्रू जो है हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप डिक्लेयर को किस तरह यूज़ करोगे। सेलेक्ट के थ्रू भी हम जो है वेरिएबल को, यानी @ और वेरिएबल का नाम है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, तो ये स्टोर किया 1 और सेलेक्ट के साथ नेम सैफ और सेलेक्ट सिटी कराची। ये जस्ट लाइक जो है ये रन होगा सिर्फ इसी क्वेरी एडिटर के अंदर। जब आप किसी भी वेरिएबल को जब प्रिंट कराते हो या आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो आपके पास ये डिस्प्ले हो जाएगा जो वेरिएबल का नाम दिया है प्रिंट के साथ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके रन करता हूँ, तो आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि आईडी में 1 आ जाएगा, नेम में सैफ आ जाएगा, सिटी में कराची आ जाएगा। तो ये आप रिज़ल्ट देखेंगे इसका। देखिए, मैंने सेलेक्ट किया, अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखिए, 1 है, सैफ है, कराची है, पाकिस्तान। अब देखिए, एक प्रोफेशनली जो आप यूज़ करोगे इसको, ज़्यादातर स्टोर प्रोसीजर में और फंक्शन में जो है बहुत ज़्यादा आप इसको यूज़ करोगे, क्योंकि ये डायनेमिकली होता है, रन टाइम पर जो है ये एग्जीक्यूट होता है। क्रिएट प्रोसीजर और जो है प्रोसीजर के अंदर मैंने लिखा है, उसी तरह डिक्लेयर वेरिएबल लिया है, तीन वेरिएबल लिया है। और देखिए, सेलेक्ट के थ्रू भी आप स्टोर करवा सकते हो और सेट के थ्रू भी जो है आप वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सेलेक्ट यूज़ करते हो या सेट यूज़ करते हो। तो अब देखिए, मैं इसको जो है एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले तो मैं एक प्रोसीजर को क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए, अभी हमारे पास जो है एक रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया हुआ है स्टूडेंट का। तो देखिए, अभी जो मेरे पास टेबल आ रहा है वो एक ही इसमें रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। देखिए, एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब मैं स्टोर प्रोसीजर के थ्रू जो है मैं सेकंड रिकॉर्ड जो है उसका मैं ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया हुआ हूँ, एक स्टोर प्रोसीजर बनाया है मैंने। स्टोर प्रोसीजर के थ्रू जो है मैं एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाऊंगा, जो कि सेकंड रॉ जो है वो इंसर्ट कर देगा। तो मैं इसको अब सेलेक्ट करता हूं और रन करके आपको दिखाता हूं, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर का काम क्या होता है कि कोड रीयूजबिलिटी है। बार बार अगर किसी कोडिंग को आप यूज़ करना चाहते हो तो स्टोर प्रोसीजर या फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हो। तो क्रिएट प्रोसीजर पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसको एग्जीक्यूट करूँगा। देखिए, अब मैं इसको क्रिएट प्रोसीजर अभी हमारा बना नहीं है, अब मैं जैसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये आपका जो है स्टोर प्रोसीजर बन चुका है ये। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेकंड रिकॉर्ड जो है इंसर्ट हो जाएगा। देखिए, 1 रो अफेक्टेड। अब तो डिस्प्ले करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, फर्स्ट रिकॉर्ड पहले से था, सेकंड रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, वसीम मुंबई और इंडिया।